Of this high office. I regard your choice as a tribute to my country and a recognition of her profound desire to serve the purposes of the United Nations and through them the paramount interests of world peace. It is also a recognition. Of the part that women have played and are playing in furthering the aims and purposes of this great organization. We have the duty not merely to restore peace when it is broken, but even more to prevent peace from being threatened. We must seek to eliminate weapons of mass destruction rather than invent weapons which are even more destructive finally we must discover a means of directing the resources of industry and the researches of science into peaceful instead of destructive channels we must learn to cooperate effectively in safeguarding peace and in raising standards of living of peoples of the world एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग सभी को प्रातःकालीन नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे इज सेकेंड ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डे नंबर थ्री थ्री सिक्स योर विजन योर विजन विल बिकम क्लियर ऑनली वॉइस को क्या हो गया वॉइस इज नॉट गुड ऑडियो ऑडियो इज नॉट कमिंग गुड वॉट एपन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन

टू शो अप फेस यूर डिफिकल्टीज एंड शो अप सो यू विल नॉट बी हंड्रेड परसेंट एवरी डे एंड दैट इज परफेक्टली ओके डोंट गिव अप एंड शो अप एवरी डे मीन्स एवरी डे आपको स्टडीज करना है कॉमिटमेंट के साथ डिसिप्लिन के साथ बट दैट डजेंट मीन की हर दिन हंड्रेड परसेंट स्टडी होगा समटाइम्स इट कुड बी ट्वेंटी थर्टी समटाइम्स वन फिफ्टी टू हंड्रेड द थिंग इज यू हैव टू शो अपन डेली बेसिस सो दिस इज सिविल सर्विसज वन सी न्यूज़पेपर वीडियो हमने सिविल सर्विसेज वन में कल ट्राई किया था बट सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि से एक गैप बन रहा है सृजन इंडिया वन में पिछले दो तीन साल से हमने एवरीडे न्यूज़पेपर कवर किया है सो फॉर एटलीस्ट दिसंबर हम इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं सो लेट एस डू वन थिंग न्यूज पेपर वीडियो मैं सृजन इंडिया वन में ही कॉन्टिन्यू करता हूँ फॉर दिस एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर और वो जो नया इनिशिएटिव है फाइव टॉपिक्स अ डे वाला उसको मैं टेन टॉपिक्स करने वाला हूँ उसको हम इस चैनल में कर लेते हैं सो so दैट हमारा जो ट्रांजिशन है इस मंथ में जो ट्रांजिशन होने वाला है वो स्मूथली हो जाएगा ओके okay? सो so जो वो फाइव टॉपिक्स अ डे का जो न्यू इनिशिएटिव है उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ सिविल सर्विसेज वन में और इसमें भी सारा बैकग्राउंड वर्क कॉन्टिन्यूड रहेगा और सृजन इंडिया वन में अभी फॉर टाइम बिंग न्यूज हम इधर ही कंटिन्यू करते हैं ओके सो दिस इज द थिंग ये फाइव अ डे है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है इसमें आप सब भी अगर चाहो तो ऑन कर सकते हो ये सारे बहुत क्रिस्प एंड कंसाइज वे में एवरीडे आई विल ट्राई टू डिलीवर एटलीस्ट फाइव टॉपिक्स फाइव टॉपिक्स इन अ वेरी क्लियर ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज और बहुत सिंपलिसिटी से ये पांचों टॉपिक्स हम डेली बेसिस पे अब देखेंगे ओके दिस इज डेली क्विज क्वेश्चन नंबर वन वन मोर थिंग सम स्टूडेंट्स एस्पेशली ओल्डर स्टूडेंट्स आर सी जो प्रीवियस बैचेज में थे कि उनको इकोनॉमिक्स पढ़ना है उन्होंने पहले सब पढ़ लिया है पॉलिटी पढ़ लिया है हिस्ट्री वगैरह पढ़ लिया है उन्होंने उनको एस्पेशली एंड एस्पेशली इकोनॉमिक्स दोबारा पढ़ना है सो देवर सिंह की इसमें कुछ प्रोविजन हो सकता है तो अर्लियर आई थाट कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स मॉड्यूल को सेपरेट कर देते हैं फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ रुपीज डबल वन डबल वन फिन देन लेटर वी डिसाइडेड कि इसको ओपन टू एवरीबडी करते हैं सो ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू इफ़ यू वांट टू स्टडी इकोनॉमिक्स इसको हम बहुत डिटेल और बहुत एलेबोरेट मैनर में पढ़ेंगे इसको आप ज्वाइन कर सकते हो इसकी क्लासेस मंडे से होगी तो वैसे तो प्रिलिम्स वन एक इंटीग्रेटेड कोर्स है और वो जरूरी भी है बिकॉज पता है इतने सारे सब्जेक्ट हमें सेपरेट नहीं पढ़ने चाहिए इससे सिलोज में हो जाती है चीज़ें सिलोज में द थिंग इज़ ये चीज़ें जितनी इंटीग्रेटेड होती है उतना ही फ़ायदा होता है हम दस जगह से पढ़ते हैं ना दस अलग स्टाइल होती है दस अलग तरीके होते हैं दस तरीके के गैप्स क्रिएट हो जाते हैं सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल हम एक ही जगह सारी चीजें कर ले वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो दैट इज वाई प्रिलिम्स वन एक बहुत ही औसम कोर्स है डबल फाइव डबल फाइव में हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं ऑफ़ दिस एग्जामिनेशन बट एस्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स एंड ओनली फॉर इकोनॉमिक्स इफ़ यू वॉन्ट टू अटेंड इकोनॉमिक्स क्लासेस तो ये एक डबल वन डबल वन एंजल नंबर जो है इस फी पे ये आप अटेंड कर सकते हैं इसकी क्लासेस जस्ट आफ्टर न्यूज पेपर डेली अराउंड वन वन एंड हाफ आवर की क्लासेस होंगे ओके सो नाउ लेट अस कम टू अवर डिस्कशन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है अभी एक्चुअली ट्रांजिशन चल रहा है मैं आज भी लेट हो गया कल से मैं इसको एफिशिएंट बनाता हूँ अवर आइडिया इज अराउंड फिफ्टी मिनट्स में हमें पूरा न्यूज पेपर कंप्लीट करना है अब इसको ऐसे ही करेंगे है ना फिफ्टी मिनट्स में हम पूरा न्यूज और ऑल द अदर इनिशियटिव फिफ्टी मिनट्स ऑफ टाइम पे कंप्लीट करेंगे ओके सो दिस इज डेली क्विज क्वेश्चन नंबर वन है दिस इज एनवामेंट एंड एकोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंगो सिस्टम इको सिस्टम इको सिस्टम का सवाल है इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फेयर ये बायोस्फेयर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है अ ट्री कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम तो एक जो ट्री है स्टैंड अलोन ट्री है ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है इको सिस्टम का इट इज अ कम्यूनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायमेंट तो इको सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कम्यूनिटी भी हो सकती है जिसमें लिविंग बींग्स और फिजिकल एनवायरमेंट है सो यू हैव टू टेल इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये सो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फेयर ये एब्सोलुटली ट्रू है ट्री कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ इको सिस्टम एब्सोल्यूटली ट्रू है और कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है सो द राइट आंसर हियर इज डी द राइट आंसर हियर इज डी क्वेश्चन नंबर टू यहां दो टर्म्स होते हैं फूड चेन और फूड वेब फूड चेन और फूड वेब तो फूड चेन और फूड वेब से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है फूड चेन फूड चेन रिप्रेजेंट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड और एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम तो फूड चेन एक कॉन्सेप्ट है जो केवल एक पार्ट बताता है फूड या एनर्जी फ्लो का लाइक इट इज फूड वेब इज अ कनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स वेर इज फूड चेन इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म तो फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है और बहुत सारी फूड चेन ऐसे वेब हो गया है मकड़ी का जाला स्पाइडरमैन तो ये हो जाता है फूड वेब सो फूड चेन रिप्रेजेंट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड और एनर्जी फ्लो और फूड वेब जो होता है सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाता है सो टेल व्हाट इज द राइट आंसर द राइट आंसर इज सी ये दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है ये क्वेश्चन नंबर थ्री है चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं पहला स्टेटमेंट है बायोमास रेफर्स टू द क्वांटिटी और वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट इज इट ट्रू बायोमास का मतलब होता है क्वांटिटी और वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट यही तो बायोमास होता है टोटल प्लांट बायोमास इंक्लूडिंग अबव ग्राउंड एंड सब सरफेस प्लांट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप तो जितना टोटल बायोमास है ग्राउंड पे और सब सरफेस पे इसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टैंडिंग क्रॉप द प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉन्टिनेंटल इकोसिस्टम इज लोअर देन दैट ऑफ मेरीन इकोसिस्टम ये सही है प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉन्टिनेंटल इकोसिस्टम इज लोअर देन दैट ऑफ द मेरीन इको सिस्टम तो जो कॉन्टिनेंटल इको सिस्टम है इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है इन कंपेरिजन टू मेरीन इको सिस्टम या फिर नन मतलब ए बी सी ये जो तीनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये तीनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो आपको बताना है इनमें से इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है सो रीड क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोमासक्ट आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, है ना तो पहला स्टेटमेंट क्या है पहला स्टेटमेंट गलत है क्या दूसरा गलत है क्या या तीसरा गलत है क्या सो आंसर वॉट इज द राइट ऑप्शन द राइट ऑप्शन इज सी द राइट ऑप्शन इज सी द राइट ऑप्शन इज सी प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉन्टिनेंटल इकोसिस्टम इज लोअर ट ऑफ द मेरीन इको सिस्टम करो प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉन्टिनेंटल इकोसिस्टम इज लोअर प्रोडक्टिविटी जो कॉन्टिनेंविटी कम होती है इन कंपेरिजन टू मैरीन इकोसिस्टम कन्फर्म कन्फर्म गूगल करो इसे प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉन्टिनेंटल इको सिस्टम इज लोअर दैन देट ऑफ मैरीन इकोसिस्टम इज इट ट्रू बायो रेफर्स टू क्वान्टिटी ऑफ वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट और टोटल प्लांट बायोमासव ग्राउंड एंड सब सरफेस प्लांट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप ये सही है तो इसका आंसर क्या होगा गूगल करो मैरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है या फिर कॉन्टिनेंटल इको सिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है कन्फर्म कंफर्म इट ऑन गूगल गूगल इट की प्रोडक्टिविटी मेरीन की ज्यादा होती है या फिर कॉन्टिनेंटल इकोसिस्टम की ज्यादा होती है फॉलोइंग okay. स्टेटमेंट डेट्रीटस फूड चेन बींग विद डेड ऑर्गेनिक मैटर तो जो डेट्रीटस फूड चेन होती है जैसे फूड चेन भी होती है एक होती है से living वाली food chain, एक detritus मतलब जो डेड हो जाते हैं फिर उधर से एक फूड चेन चालू होती है हाँ ये पर यूनिट मास होगा ये ए में पर यूनिट एरिया पर यूनिट मास यस क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर कम टू क्वेश्चन नंबर फोर आई विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर डेट्रीटस फूड चेन बिगेडर फूड चेन इज मेड अप्रू डो नोनोट्रोफ्स इनको सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं तो डेट्रीटस जो होती है ये ऑर्गेनिक मैटर से डेड से स्टार्ट होती है इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं और इनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं सो वट इज द राइट आंसर ये तीनों के तीनों एप्सोलूटली ट्रू है ऑल थ्री आर ट्रू द प्रोसेस ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है ट्रीज में ऐसे रिंग्स बन जाती है रिंग्स सो द प्रोसेस ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्लांट्स लिविंग इन ट्रॉपिकल एरिया टेम्परेट एरिया इक्वेटर या एल्पाइन एरिया तो कहाँ के प्लांट्स ऐसे होंगे कि जिनमें डेंड्रोक्रोनोलॉजी का रिंग्स बनेगा ही नहीं तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा यू हैव टू टेल ए बी सी डी कहाँ के ट्रीज में डेंड्रोक्रोनोलॉजी अनफिट होगा फिट नहीं होगा अल्पाइन एरिया बिकॉज ये पहाड़ों में रहेंगे अल्पाइन एरिया नो बर्फ भी ज्यादा होती है यहाँ पे अल्पाइन एरिया में देन इसके अलावा फिर टेम्परेट एरिया होता है ये भी ठंडे प्रदेश होते हैं सॉफ्ट वुड होती है ट्रॉपिकल एरिया ट्रॉपिक्स ट्रॉपिकल एरिया में भी होता है नो no? डेंड्रोक्रोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी बनती है जब जो एटमोसफियर जो वेदर जो क्लाइमेट है उसमें सीजन आ रहे हैं कभी बहुत ज़्यादा हीट है कभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो अलग अलग रिंग बनती है अलग अलग रिंग की एज ऑफ ट्रीज आता है तो अगर हम इक्वेटर पे जाते हैं तो इक्वेटर पे तो सीजन्स ही नहीं होता है थ्रू आउट द ईयर सेम टाइप ऑफ फॉर्मेट सेम टाइप ऑफ लाइक वहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है तो इसीलिए जो रीजन ऑफ इक्वेटर है यहाँ पे जो ट्रीज होंगे उनमें डेंड्रोक्रोनोलॉजी नहीं दिखेगा बिकॉज थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सेम है सीजन्स नहीं होते हैं वहाँ पे ज़्यादा सो so, डेंड्रोक्रोनोलॉजी नहीं होगा और रिंग्स फॉर्म नहीं होगी रिंग्स फॉर्म नहीं होगी सो सी इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर सी इक्वेटर इज द राइट आंसर इक्वेटर ये सी 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 है C है इज द राइट आंसर ओके सो दीज आर फाइव क्वेश्चन मैं कन्फर्म करके बताता हूँ इसका आंसर थोड़े जंबल हो गए इसको मैं कन्फर्म करके बताता हूं ओके सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे टेल आज का स्कोर क्या रहा सिमिलरली ये टेलीग्राम क्विज है एवरी डे एवरी डे फोर्थ का डी है दिस इज फोर्थ फोर्थ का डी है फिफ्थ का सी है थर्ड का आई विल कन्फर्म सेकेंड का सी है और फर्स्ट का डी है ये जितने भी क्वेश्चन है इसका पी डी एफ आप टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं पूरे नोट्स एंड पी डी एफ दिस टेलीग्राम क्विज के भी सो ये टेलीग्राम क्विज है एवरी डे वी आर हैविंग फाइव सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्वाइन नाउ सी अगेन हमें लगाना है लॉजिकल रीजनिंग मनी इज वैल्यूएबल इंटीग्रिटी इज वैल्यूएबल तो मनी इज इंटीग्रिटी ज इट ट्रू हमें मतलब तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं शॉर्ट स्टेटमेंट दिए हुए सेंटेंसेज दिए हैं इनमें कौन से सेंटेंसेज लॉजिकल है यू हैव टूटल बी समेमा इज अ मैगजीन ऑल मैगजीन हैज एन एडिटर पियानोज आर कॉस्टली पियानोज आर डिफिकल्ट टू लर्न एनीथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू लर्न इज कॉस्टली ऑलवेज रिमेंबर एक्सट्रीम वर्ड्स एक्सट्रीम की वर्ड जैसे एनीथिंग हो गया ऑनली हो गया एवरी थिंग हो गया ऑल हो गया ये एक्स्ट्रीम होते हैं तो इनमें जब सारी कंडीशन फिट होगी तभी ये सही होंगे सम जो होते हैं इसमें कुछ कंडीशन भी फिट हो गई तो वो सही हो जाते हैं तो पियानोज आर कॉस्टली पियानोज आर डिफिकल्ट टू लर्न एनी थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू लर्न इज कॉस्टली वी कैन नॉट सेन्फिडेंस कि ये हमेशा सही होगा तो ये तो गलत तो दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग बी यहाँ भी है यहाँ भी है तो बी हैज टू बी ट्रू हम इसके बेसिस में बताएंगे कि सही स्टेटमेंट क्या है बी या सी तो फेमिना इज अ मैगजीन ऑल मैगजीन्स हैव एन एडिटर फेमिना हैज एन एडिटर बी एंड सी इज द राइट आंसर सो द राइट आंसर इज बी द राइट आंसर इज बी ओके अब आज हम जानते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स का बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक है ये सिक्स फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आपको ऐसे इन्फोग्राफिक्स चाहिए बहुत सारे अपने नोट्स एटसेट्रा में सिविल सर्विसेज वन में हम ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं आपको बेस्ट टू बेस्ट इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे बहुत सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं चैप्टर्स हैं जो हम रेगुलर कंटेंट देखते हैं स्टैंडर्ड बुक्स का इसको वी विल शेयर राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल टू ये प्रोहिबिट करता है इन इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ रेस एंड जेंडर तो इसमें इक्वल राइट्स होते हैं ऑल सिटीजन के यस yes, हम इस पे अभी इनिशिएटिव पे वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छे माइंड मैप्स हम बल्क नहीं करेंगे पर बहुत क्वालिटी माइंड मैप्स और बहुत क्वालिटी ऐसे इंफोग्राफिक्स यू विल गेट तो दिस इज राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल है 1920, 21A, 22. तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ अवर कंट्री आप कहीं भी जा सकते हैं आप कोई भी वर्क कर सकते हैं फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री बट इसमें रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं जैसे आई एल पी आई एल पी किन राज्यों में लगता है आप बता सकते हो इनर लाइन परमिट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तेईस और चौबीस में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज इज नॉट नॉट कूल कूल चाइल्ड लेबर लेबर फोर्स इट इज इनफैक्ट अ पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट में आपको गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहे आप कर सकते हैं ऑल पीपल हैीच प्रैक्टिस एंड प्रपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी हैं ट्वेंटी नाइन और थर्टी में इसमें आप अपना कल्चर रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपनी हेरिटेज को बचा सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एजुकेशनल राइट्स भी हैं आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट जेंडर और रिलीजन और इन सब के लिए हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और वो है constitutional remedy. तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करती है तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी सारी रिट्स इशू कर सकती है आंसर और सुप्रीम कोर्ट एज अ गारंटी ये सारी रिट्स इशू करेगी विद रेस्पेक्ट टू आर्टिकल दिस फंडामेंटल राइट वॉयलेन यस ओके हाँ एंशियट एंड मेडाइवल भी हम करेंगे हम बहुत सिस्टमेटिकली अब सारी चीजें कर रहे हैं अब हम फाइनल लैप में आ रहे हैं ये जो दिसंबर ऑनवर्ड्स जो टाइम है दिस इज वेरी क्रूशियल अब हम टॉप गियर में अब चलेंगे यहाँ पे ओके सो इक्वालिटी फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन रिलीजन एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये सब क्या है फंडामेंटल राइट्स जल्दी से बताइए अगर एनीमिया है विच मिलिट इज गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड ऑफन रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स विद आयरन डेफिशियंसी एनीमिया क्या वो फिंगर मिलेट है बार्नियर्ड मिलेट है या फिर लिटिल मिलेट millet है मिलेट्स बहुत हेल्दी होती है न्यूट्रिशियस होती है तो मिलेट्स को हम बढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ओके सो मिलेट्स ग्लूटन फ्री भी होती है ग्लूटन फ्री दैन कैन बी कंज्यूम्ड बाई सेलियन डायबिटीज में भी मिलेट्स बहुत हेल्पफुल होती है बिकॉज इसका ग्लाइकमिक इंडेक्स कम होता है तो मिलेट्स सुपरफूड बोला जा रहा है आप बता सकते हो फर्स्ट चीफ ऑफ बीएसएफ़ कौन थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी फाउंडेशन डे भी था फर्स्ट चीफ ऑफ बीएसएफ़ कौन थे सुब्रतो मुखर्जी साहब सेम मोनिका साहब के एफ रुस्तम जी साहब तो फर्स्ट चीफ ऑफ बीएसएफ़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन थे पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड करती है बी इट्स टाइम फॉर अवर वीकेंड क्वेज और आपने नाम सुना है ए और ए टू और ए ए तो वन और ए टू क्या है ये रेलवे के कोचेज नहीं है ए वन और ए टू क्या है हनी वाटर, फिश या फिर मिल्क ए वन ए टू हम किसको बोलते हैं यस दो हजार अट्ठारह नेशनल ईयर दो हजार तेईस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सो हनी वाटर, फिश और मिल्क ए वन और ए टू क्या होता है दिस इज कैटेगरी ऑफ मिल्क आप हैं मेजर शैतान सिंह अदम्य साहस वीरता और पराक्रम दर्शाते हुए शत्रुओं से देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आपने बलिदान दिया था तो आप मेजर शैतान सिंह ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट नैरेटिव पेंटिंग्स इन इंडिया ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट नैरेटिव एलिफेंटा भीमबैट का अजंता उदयगिरी तो बुद्धिज्म के यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स मिलते हैं और ओल्डेस्ट पेंटिंग कहाँ पर है एलिफेंटा भीम बैट अजंता या फिर उदयगिरी में आंसर यह है उस्ता काम उस्ता काम उस्ता काम एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंट्रिकेट हैंड पेंटेड क्राफ्ट है मेनली कैमल ऊंट की स्किन पे बनाते हैं अभी कैमल डे भी आने वाला है फोर्थ को आई थिंक कैमल स्किन होता है जो सिटी ऑफ बीकानेर राजस्थान में होता है तो ये है उत, उस्ता काम दिस इज अ काइंड ऑफ आर्ट वर्क अभी फर्स्ट ऑफ दिसंबर को हम एड्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं एड्स डे फर्स्ट ऑफ दिसंबर है इट एम्स टू रेज अवेयरनेस एंड इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एच आई वी वॉट इज एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस सो एड्स इज द कंडीशन जब हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है सो बिकॉज इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो ऑल टाइप ऑफ डिसीजेज हमें अटैक करने लगती है तो ये ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है थीम है इस बार के वर्ल्ड एड्स डे की वर्ल्ड एड्स डे थर्टी फाइव की रिमेम्बर एंड कॉमेट सो एटी टू परसेंट डिक्लाइन हुआ है एड्स रिलेटेड डेथ्स में और इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन है इनमें भी प्रिवेलेंस कम देखने को मिला है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी नेशनल एड्स एस कंट्रोल प्रोग्राम होता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़ एन ए यहाँ पे फ्री में एच आई प्रिवेंशन डिटेक्शन और ट्रीटमेंट सर्विसेज़ दी जाती है और एच आई एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 में आया था राइट्स ऑफ पीपल अफेक्टेड विद एच तो किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा फॉर विद दो हु आर अफेक्टेड विद एच मिशन संपर्क है इसमें टेस्ट और ट्रीटमेंट सर्विसेज दी जाती है एच पॉजिटिव पीपल को नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन है 1097 इसमें इंफॉर्मेशन काउंसलिंग रेफरल्स फीडबैक ये सारी चीजें मिलती है तो दिस इज वर्स्ट ऑफ दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे आप हैं सुचेता कृपलानी जी रिमेम्बरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी और फर्स्ट गवर्नर वुमेन कौन है उनका भी नाम बताइए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की फाउंडर थी और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी आपने पार्टिसिपेट किया था तो आप पहली मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी जी है और गवर्नर पूछा जाए तो वो कौन है आंसर सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट वेरी गुड वेरी गुड सरोजनी नायडू जी सो दिस इज सैटरडे दिसंबर टू टू इलेक्शन कमीशन डिफर्स काउंटिंग इन मिजोरम टू दिसंबर फोर स्टूडेंट इवेकुएटेड यहाँ पे एक बॉम्ब थ्रेट मील आया था जूरिस्टिक्शन ऑफ बी एस एफ न्यूज में है दिस इज इंडिया ऑफर्स टू होस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू क्लाइमेट का मीट तो दो हजार अट्ठाईस का जो कॉप का मीटिंग होगा वो इंडिया में कराने की बात है अभी कॉप ट्वेंटी एट है प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट किया कंट्रीज को टू ज्वाइन इंडिया एज इट्स ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव बिकॉज इंडिया में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है मार्केट है इकोनॉमी ओपन है हमारी सो ग्रेट ग्रेट क्रेडिट इनिशिएटिव है ही सेज ऑल ह्यूमैनिटीज इज बियरिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय अ फ्यू तो कुछ लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ती है सो दिस इज द थिंग ह्यूमैनिटी इज बियरिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय अ फ्यू दिंग इज टेम्परेचर राइज हो रहा है कॉप ट्वेंटी एट की जो मीटिंग थी इसका थर्टी थर्ड एडिशन अभी दो हजार अट्ठाईस में ड्यू है जो इंडिया में कराने की बात है बात यह हुई कि कार्बन स्पेस हम दो हजार पचास तक नेट न्यूट्रल वर्ल्ड ट्राई कर रहे हैं हम टू थाउजेंड सेवेंटी में ट्राई कर रहे हैं ग्रीन क्रेडिट इनिशियेटिव है ये एक नॉन कमर्शियल एफर्ट है टू क्रिएट अ कार्बन सिंक कार्बन सिंक क्या होता है एक होता है कार्बन एमिट हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल इन्वॉल्व है तो उसे कार्बन एमिशन होगा और हमने उस कार्बन को कैप्चर कर लिया तो वो कहलाएगा कार्बन सिंक तो एक प्रपोजल है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी का जो अप्रूव किया अभी यू में और इंडिया अभी बोल रहा है कि टू में हमारे यहाँ एक्टिविटी दिस मीटिंग कराई अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज रूथलेसली एक्सप्लोयटेड नेचर बट द एंटायर ह्यूमैनिटी इज बियरिंग द कॉस्ट ऑफ इट इन्हेबिटेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ ये बहुत बड़ा बज वर्ड बना है ग्लोबल साउथ इससे आई आर पे सवाल आएगा अभी ग्लोबल साउथिशनेस ऑफ अ फ्यू विल लीड द वर्ड इन टू डार्कनेस नॉट जस्ट फॉर देम सेल्व बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड ये क्लियर स्टेटमेंट है सो हाई लेवल सेगमेंट पे यहाँ पे बताया समिट में बताया कि वी नीड टू पुट कलेक्टिव एफर्ट स्टेपिंग अप देन पोलिटिकल पार्टीज क्यू अप टू मीट रेट होल माइनर्स कल हमने रेट होल माइनिंग देखा था फाइवर डे कॉन्सेप्ट में तो रेट होल माइनिंग वैसे तो काफ़ी डेट्रीमेंटल होती है एन्वायरमेंट के लिए बट एट टाइम्स ये बहुत यूजफुल रही स्पेशली जो हमारे को रेस्क्यू एफर्ट्स डाल रहे थे तो इसमें रेट होल माइनिंग के थ्रू हमने रेस्क्यू किया तो अभी रेस्क्यूड एफर्ट्स हैं और रेस्क्यू जो रेस्क्यूड वर्कर्स हैं वो अभी अपने घर जा रहे हैं पी एम आई रिकॉर्ड स्लाइड अपटेक इन नवम्बर दिस जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है जिससे एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ इकोनॉमी हमें समझ में आती है सो वॉट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स तो कोई भी इंडस्ट्री है वो किस तरीके से अपने रॉ मटेरियल खरीद रही है इन्वेस्टमेंट कर रही है बिकॉज इंडस्ट्री को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है कि मार्केट किस जगह जा रहा है अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है डिमांड ज्यादा हो रही है फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ अग्रवाल स्वीट्स क्या होता है कि फेस्टिवल सीजन है फेस्टिवल सीजन में समोसे ज्यादा बिकेंगे और मिठाई ज्यादा बिकेगी तो जो दुकानदार होते हैं वो स्टॉक करने लग जाते हैं स्टॉक इन द सेंस वो प्रोडक्शन बढ़ाने लग जाते हैं ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेंगे पहले हंड्रेड के जी पटेटो आता था अभी एक हजार किलो पटेटो खरीदेंगे क्यों क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो जो परचेजिंग मैनेजर है शॉप का वो ज्यादा से ज्यादा खरीदी करेंगे अपना स्टॉक्स को बढ़ाएंगे अपना जो रॉ मटेरियल है इनपुट है उसको ज्यादा बढ़ाएंगे बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि फेवरेबल कंडीशन आगे आने वाली है और मार्केट डिमांड ज्यादा रहेगी तो गवर्नमेंट क्या करती है सारे मैनेजर से डेटा कलेक्ट कर लेती है कि आप आप सारा डेटा बता दो ज्यादा ज्यादा कर 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 रहे 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 हो हो या कम कर रहे हो। तो अगर सब हैं इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग ग्रीनर टाइम दे आर एक्सपेक्टिंग कि बेटर टाइम अहेड तो यही बनता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये अगर 50 से ज्यादा होता है मतलब एक्सपेंशन है 50 से कम होता है तो दिस इज कॉन्ट्रेक्शन तो दिस इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो भी 56 से 55.5 हुआ तो इट इज ग्रेटर देन 50 बट यहाँ पे सेंटिमेंट थोड़े ड्रॉप हुए हैं तो दिस इज पीएमआई तो देखो इकोनॉमी ऐसे ही पढ़ना चाहिए हम इकोनॉमी में बेसिकली क्या करने वाले हैं जैसे न्यूज में तो थोड़ा स्कैटर्ड हो जाती है चीज़ें इकोनॉमी में जैसे ही एक पी का कॉन्सेप्ट आया ऐसे वन थाउजेंड हम पिक करेंगे एक हज़ार कॉन्सेप्ट पिक करेंगे और उन एक हज़ार कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे वन बाय वन सारे थाउजेंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी हम ट्रेडिशनल बुक से नहीं पढ़ेंगे हम वन थाउजेंड कॉन्सेप्ट पिक करेंगे और उन कॉन्सेप्ट को वन बाय वन स्टडी करेंगे जैसे पी एम आई क्या होता है जीवीए क्या होता है जी डी पी क्या होता है डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं डिफ्लेटर क्या होता है इन्फ्लेशन क्या होता है डिफ्लेशन क्या होता है डिस इन्फ्लेशन क्या होता है सो विल ट्राई टू लर्न द वोकेबुलरी एक बार वोकेबुलरी हो गई तो फिर हम बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एनसीआरटी को भी हम बैकअप कर लेंगे वहां पे तो ये तीन चीजें मोर देन सफिशियंट है फ़रवरी में जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा और बजट आएगा तो हम उसको और आगे फर्दर एक्सपैंड करेंगे चीजों को सो दिस इज अ वेरी एफिशियंट वे टू स्टडी इकोनॉमिक्स देन जीएसटी रेवेन्यू अब जीएसटी क्या होता है जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है इसके लिए आर्टिकल 279 ए है इसकी पांच स्लैब्स बना रखी है हमने एक जीएसटी काउंसिल बना रखी है एक इंटीग्रेटेड जीएसटी है स्टेट जीएसटी है सेंट्रल जीएसटी है जी में रेवेन्यू शेयरिंग में क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं हमें तो ये GST है ऐसे आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट रेडी होने चाहिए GST के तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स है इससे कैस्केडिंग दूर हो जाती है इस टैक्सेस से इसमें फिर एक इनपुट जीएसटी आप क्रेडिट कर सकते हो है ना जीएसटी क्लेम कर सकते हो तो जीएसटी रेवेन्यू फिर से 1.68 लाख करोड़ रुपए आया यस लेकर इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है वेरी गुड प्रियंका तो जैसे लेकर में जीएसटी नहीं लगता है कुछ जो सेक्टर्स है पेट्रोल डीजल भी वो भी जीएसटी के अंदर नहीं रखे तो प्रिलिम्स में ऐसे सवाल आते हैं मेन्स में कैसे सवाल आते हैं कि जीएसटी जो रिफॉर्म है ये पांच साल हो गए हैं अब इसके हाइलाइट्स और ड्रॉबैक्स को आप आइडेंटिफाई करो या फिर क्रिटिकली कमेंट करो कि जीएसटी को बोला गया था गुड एंड सिंपल टैक्स बट इसमें क्या चैलेंजेस आए या फिर बताओ जीएसटी को गेम चेंजर बताया गया है और अब इसमें क्या नेसेसरी रिफॉर्म्स आने वाले टाइम पर होने चाहिए सो so दैट हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स कॉम्प्लायस करें और जीएसटी टैक्स इवेजन को भी कम करें तो जैसे वन पॉइंट सिक्स लेख करोड़ का डेटा आया है फास्टेस्ट ग्रोथ है विच इज अ गुड जीएसटी टैक्स कलेक्शन होना चाहिए टैक्स सरकार का अधिकार है कई बार हम सोचते हैं कि हम टैक्स नहीं दें तो क्या फर्क पड़ेगा अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट जो जितने सारे इनिशिएटिव्स लेती है वो नहीं हो पाएंगे सो द थिंग इज एवरी हमें टैक्स कॉम्प्लायंस होना चाहिए दिस इज अवर ड्यूटी ये जो टैक्स की बात है ये आपको पता है स्वर्ण सिंह कमिटी ने भी फंडामेंटल ड्यूटीज में रिकमेंड किया था कि टैक्स को पे करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है सबका ऑल वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ फाइनल एफ में बट रिकमेंडेशन थी कि जो टैक्स कॉम्प्लायस कंट्री है वो हमें बनना है हमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है फॉर्मल इकोनॉमी सो दिस इज जीएसटी रेवेन्यू वन पॉइंट सिक्स लेख करोड़ का आया है विच इज अ गुड थिंग सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू

तो दैट इज वाई इसमें भी स्ट्रिक्ट रूल्स है पोचिंग जो है इट इज यस इट इज एनिमल ब्रूटैलिटी और इसका पनिशेबल क्राइम है दिस अ पनिशेबल क्राइम एक ट्रैफिक करके ऑर्गेनाइजेशन भी होती है ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इलीगल से पोचिंग या ट्रेड जो होता है उसको दूर करती है ऐसे आपको पता है एफ ए टी एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एफ ए टी एफ एफ ए टी एफ मनी लॉन्ड्रिंग और जैसे टेररिज्म फाइनेंसिंग इन सब चीजों को तो देखती है साथ ही साथ जो स्मगलिंग ऑफ दिस से एनिमल्स है या फिर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है एफ ए टी एफ वहां पर भी सेंक्शंस लगा सकती है एफ ए टी एफ के अंदर ये चीज भी आती है सो दिस इज द थिंग देन एंग्री पैसेंजर्स क्रिएट रकस दिस वी शुड अवॉइड एंगर जायज है बट कभी भी रकस नहीं क्रिएट करना है रकस नहीं क्रिएट करना है रकस इन द सेंस कई बार हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में तोड़फोड़ करने लग जाते हैं ट्रेन लेट हो गई बस लेट हो गई

और फिर वहां पे नेसेसरी एक्शन होगा सो देर इज अ प्रोसीजर देर इज अ प्रोसीजर दिस ड मीन कि अगर डिफिकल्टी है तो हम लाइक जो फ्लाइट स्टाफ है उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर हम डैमेज कर रहे हैं वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्योंकि एट टाइम्स फिर फ्लाइट्स आपको बैन भी कर सकती है फ्लाइट्स आपको बैन भी कर सकती है टू ट्रैवल तो दिस इज ऑल्सो यू शुड नो देन दिस इज एडिटोरियल फर्स्ट इज फाइंडिंग फंडस द लॉस एंड डैमेज फंड इज फाइनली ऑनलाइन बट मोर नीड्स टू बी डन तो अगेन बात है क्लाइमेट चेंज जरूरी है बट क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो हेल्दी दिस लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात है थ्री डिकेट ओल्ड डिमांड है जो फाइनली अभी क्लाइमेट जस्टिस के नाम पर हम बना रहे हैं तो लॉस एंड डैमेज फंड मतलब एक कॉर्पस ऑफ मनी होगा टेक्नोलॉजीज होगा दैट विल बी रेप्लेनिस्ड बाय डेवलप्ड कंट्री तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लॉस एंड डेवलपमेंट फंड में पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और ये पैसा यूज किया जाएगा टू रेस्पॉन्ड टू द मोर अन अवॉइडेबल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज से बहुत नुकसान हो रहा है हमारा लॉस हो रहा है डैमेज हो रहा है इस लॉस एंड डैमेज को कॉम्पनसेट करने के लिए ये फंड है और इसमें प्राइमरली जो पैसा आएगा वो डेवलप्ड कंट्रीज से आएगा ये लास्ट थ्री डेकेट से हम डिमांड कर रहे थे अभी फुलफिल हो रहा है तो फर्स्ट डे ऑफ कॉप ट्वेंटी एट था यूनाइटेड अरब एमिरट्स में ये जैसे ही कॉप ट्वेंटी एट कम्प्लीट होगा इसकी एक हम समरी देखने वाले हैं तो एल एंडी यहाँ पे बात हुआ लास्ट ईयर कॉप ट्वेंटी सेवन इजिप्ट में भी इसकी डिमांड आई थी सो द थिंग इज जी सेवेंटी सेवन ब्लॉक और चाइना दिस इन सब ने ट्रांजेक्शनल कमिटी की बात की कि मनी कैसे डिसबर्स होगा फिर काफी सारा यहाँ पे वर्चुअल सिग्नलिंग भी हुआ और पैसे देने की भी बात हुई अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं पहला ये जो भी फंड होगा इसका होस्ट कौन होगा होस्ट होगा वर्ल्ड बैंक मतलब ये जो भी पैसा आ रहा है ये वर्ल्ड बैंक की निगरानी में वर्ल्ड बैंक के पास जमा हो जाएगा चार साल के लिए और वर्ल्ड बैंक में ही एक सेक्रेटेरिएट होगा जो उसको मॉनिटर करेगा ऑर्गेनाइज करेगा तो वर्ल्ड बैंक इस पैसे को रखने के लिए और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ओवरहेड फी लेगा तो ये एक एक्स्ट्रा फी लग जाएगी इस पैसे को वर्ल्ड बैंक के पास सुरक्षित रखने के लिए सेकेंड डेवलपिंग कंट्रीज रजिस्टर्ड दिस प्रपोजिशन एट फर्स्ट बिफोर मीटिंग कि इसमें और क्या हमें कंसेशन मिलने चाहिए तो ये भी एक डिमांड हुआ सेकेंड इसके अलावा ये जो फंड है ये काइंड kind ऑफ of ऐसा फंड है कि अभी तो सब ने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया बट ये बाद में कंट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि कमिटमेंट ऐसा होता है कि शुरू में कमिटमेंट हो गया हम इतना लाइक like, वर्क इतना कंट्रीब्यूट करेंगे बट ये नहीं कि आपने एक टोकन मनी कमिट कर दिया टोकन पैसा दे दिया फिर बाद में बाकी का पैसा नहीं दिया तो दिस इज रॉन्ग सो इसमें टेन मिलियन जैसे जापान ने सौ मिलियन जर्मनी ने यू ने दिया है बट क्या ये इसको रेप्लनिश करेंगे या नहीं इस पर क्लैरिटी नहीं है सेकेंड फोर फिफ्टी मिलियन डॉलर का एक्चुअल डिमांड है तो ये जो फंड है ऑब्वियसली वो इनसफिशियंट है शॉर्टफॉल होगा वी नीड मोर फंड इसमें ये भी बताया कॉन्ट्रीब्यूशन वॉलेंटरी है इवन एज एवरी कंट्री हैज बिन इन्वाइटेड टू कॉन्ट्रीब्यूट वर्ल्ड बैंक सारा इसका बैकग्राउंड कवर कर रहा है सो द थिंग इज लेटेस्ट इट इज टू अर्ली कई बार जो क्लाइमेट से रिलेटेड पहले भी जैसे फंड आए हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड आया था सौ बिलियन डॉलर का तो मतलब बातें बड़ी बड़ी होती है लेटेस्ट सी आगे क्या होता है यहाँ पे फंडिंग प्रॉपरली आती है या नहीं आती है और इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है तो दिस इज डे वन लेटेस्ट सी अभी पूरा कॉप ट्वेंटी की मीटिंग में क्या होता है बट दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज दिस इज सी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेशली जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं basically they are paying the price of this climate change so we needed this fund patchy expansion है a broad growth base is a must to sustain momentum and reduce inequality तो so, अभी GDP के नंबर आए हैं इंडिया की GDP 7.8 percent 7.5 plus दिखाया है तो so, this is a good thing GVA data भी अच्छा दिखा रहा है but the point is कि क्या ये growth है ये equitably distributed है क्या ये जो growth है ये sustain रहेगी पैंडेमिक के बाद हमने देखा है के शेप्ड रिकवरी ज्यादा हुई है सम सेक्टर्स आर आर डूइंग रियली गुड अदर्स नॉट डूइंग गुड तो दिस इज द डूंगे एक चैलेंज रहेगा पॉलिसी मेकर्स के लिए अब ये है इम्प्रूविंग द केपेबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट देखिए अक्सर हम बोलते हैं इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चल रही है ये चल रही है बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के थ्रू तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं चाहे वो किसी भी रैंक के हों ए बी सी डी किसी भी कॉडर के किसी भी रैंक के हो एक्चुअली में ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही सारा गवर्नमेंट रन कर रहे हैं दे आर रनिंग द गवर्नमेंट सो केपेबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट जैसे इंडियन रेलवेज है तो वो रेलवेज के एम्प्लॉयज हैं वो पूरी रेलवे स्मूदली चला रहे हैं अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है तो वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं पुलिस सर्विसेज है तो वो लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग इन सब का वर्क कर रहे हैं तो दिस इज इंडियन स्टेट दिस इज इंडियन स्टेट एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं एक एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये हर पांच साल में चुनाव के बाद जीत के आते हैं हर ईयर में जैसे मंत्री हो गए प्रधानमंत्री जी हो गए ये सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं और अदर एग्जीक्यूटिव इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो आप लोग ट्राई कर रहे हो कि आप लाइक गवर्नमेंट जॉब में जाओगे सिविल सर्विसेज में जाओगे फिर आप अपना पूरा काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग उसी सर्विस को करोगे तो दीज आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव

ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए लॉ भी आपको अबाइड करना है पेपर वर्क भी आपको करना है तो रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करने है सो द थिंग इज एट टाइम्स ये एज अ हिंड्रेंस काम करते हैं देट इज़ वाई हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना पढ़ाना बहुत आसान है बट इतने सारे स्टूडेंट्स से डील करना और एक स्मूथ वे में सारी चीजें कराना और केवल पढ़ाई पे फोकस रखना ऑल सच अदर थिंग्स को साइड रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चीज़ों को स्मूथली रन करना दिस इज नॉट एट ऑल इजी आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट एट ऑल इजी सो द थिंग इज दिस हैपेंस इन वर्क एवरीवेयर कि वर्क इज वन थिंग और उस वर्क को करने के लिए लायक बनना इज़ अनदर थिंग सो एट द सेम टाइम ये जो वेबेरियन स्टेट है इंडिया में ये टू स्मॉल है जी ट्वेंटी का ग्रुप हुआ तो इसमें अगर हम सिविल सर्वेंट्स की बात करें तो हमारे यहाँ जो सिविल सर्वेंट्स हैं यूपीएससी की हज़ार से अभी कुछ वैकेंसी आएगी आठ सौ नौ सौ आएगी कमी आएगी इस बार सो द थिंग इज कि ये पर कैपिटा बहुत कम है वी नीड मोर सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट ज्यादा जरूरत है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिलेटिवली कम है सो पब्लिक सेक्टर में टोटल एम्प्लॉयमेंट केवल फाइव है इंडोनेशिया चाइना में ये ज्यादा है यूके में ज्यादा है सो द थिंग इज कि हमें मोर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड अगर हम पर कैपिटा डॉक्टर्स देखें टीचर्स देखें टाउन प्लानर्स देखें पुलिस जजेस फायर फाइटर इंस्पेक्टर फॉर फूड एंड ड्रग्स रेगुलेटर तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लोवेस्ट ये बहुत कम है हमें ज्यादा जरूरत है इवन हमारी फौज में बहुत वैकेंसी पड़ी हुई है ऑफिसर्स ही नहीं है हमारे पास आर्मी में नहीं है फोर्स में नहीं है ऑफिसर्स का सीवियर शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज से क्या होता है कि जो ऑफिसर जो पायलट को से तीन से चार घंटे काम करना है उसको फिर दस दस बारह बारह घंटे पंद्रह घंटे काम करना पड़ रहा है बिकॉज वी हैव सीवियर शॉर्टेज ऑफ लाइक ह्यूमन रिसोर्स नहीं है हमारे पास तो इंडियन स्टेट इज रिलेटिवली स्मॉल टैक्स टू जी डी अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर टू जी डी पी देखे तो ये भी कम है पब्लिक गुड्स प्रोविजन वेलफेयर पेमेंट जस्टिस सिस्टम तो देर इज अर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्कार सरप्लस नहीं है स्कार है इनएडिकुट स्टेट कैपेबिलिटी है तो क्या होता है पुलिसिंग प्रॉपर नहीं हो पाती आपके पास एम्प्लॉयज ओवर बर्डनड होते हैं तो फिर ऑब्वियसली वर्क कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है सो दिस इज द थिंग प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में जैसे आप गवर्नमेंट डॉक्टर्स को देखो सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट डॉक्टर्स एट्सेट्रा में हम देखें तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स या गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर आप देखो है, किसी भी हॉस्पिटल में वो ओवर बर्डनड है ओवर बर्डनड है हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है

तो कई बार अनविल्डी स्टेट परफॉर्मेंस होता है और ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा टीचर्स हैं वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम कम है चाइल्ड एंड मेटरनल मोर्टैलिटी ज्यादा है प्रोडक्टिविटी कम है ट्रैफिक ज्यादा है क्राइम रेट्स पुलिस हमारी इतनी ओवर बर्डन है आई एम टेलिंग यू ये जो पुलिस का जॉब होता है ना दूर से बहुत अच्छा लगता है बट द थिंग इज वेन यू गेट इन टू दिस वर्क देन यू रियलाइज इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है ट्वेंटी फोर सेवन आपको ड्यूटी पे रहना है और सीवियर शॉर्टेज है पर्सनल का सो दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर इवन जो पुलिस पर्सनल होते हैं इसमें बहुत ज्यादा मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे बिकॉज दे आर वर्किंग इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस सो द थिंग इज कि इंडियन स्टेट पीपल थिने प्रोसेस थिक है हमारे यहाँ नियम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो चीज़ सीधा सीधा हो जाना चाहिए उसको बहुत घुमा फिरा के हम कर रहे हैं तो दिस क्रिएट्स एंट्रोपी सो द थिंग इज दैट इज बाई पब्लिक इंस्टीट्यूशन में स्किल गैप भी ठीक करें अब एक बुक आया है स्टेट कैपेबिलिटी इन इंडिया बाय टी वी सोमनाथन एंड गुलजार नटराजन ये आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं तो आपने यही बताया कि बॉटल नेक कहाँ पे बन रहा है एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग है और पॉलिसी भी ऐसा है कि पेपर में अच्छा है बट इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाता है तो हमें ऑस्ट्रेलिया मलेशिया यूके इधर से लेसन सीखना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हम करें प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन हम कैसे करें जैसे एनएचआई का एग्जाम्पल है NHI को काम दिया है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाने का पॉलिसी आर मेड एट लेवल अरेंजमेंट से रिड्यूस हुआ डिले और कॉस्ट कम वरना पहले क्या होता था जो ब्रिज बनना है पांच साल में वो पंद्रह साल में बनेगा तो पंद्रह साल मतलब दस साल का एडिशनल इन्फ्लेशन भी आ गया कॉस्ट भी हो गया लेबर भी महंगा हो गया रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया तो जो ब्रिज सौ करोड़ में बनना था वो बनता है पांच करोड़ में तो ये फोर हंड्रेड करोड़ रुपए का लॉस है अगर टाइम पे काम नहीं हुआ तो ये लॉस है जैसे मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे आई बनना है मुझे गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में आना है तो आप क्यों फिर कॉस्ट कटिंग करने लग जाते हो या फिर छोटा छोटा लाइक वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हो आपका एक साल की कीमत आपको पता है कितना है आपको एक साल कम मिलेगा तो आपका बाय द एज ऑफ सिक्सटी से आपका पैकेज दो से तीन लाख रुपए का होगा तो आपको वन ईयर इज कॉस्टिंग फॉर अराउंड थर्टी फाइव टू फोर्टी लाख रुपए एक साल की कीमत आपके तीस से पैंतीस लाख रुपए की है सो दिस इज द थिंग टाइम पे काम करना बहुत जरूरी होता है दैट इज वाई सो दिस इन गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट वर्क स्पेशली कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड अब यहाँ पर जैसे कैपेबिलिटी बढ़ाए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस हो दिस इज इम्पॉर्टेंट टेक्नोक्रेटिक गैप आ जाता है कई बार कई बार जो हमारे मिनिस्टर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है इतना तो टेक्नोक्रेटिक गैप हो गया पॉलिसी मेकर्स एग्जिबिट अ लैक ऑफ टेक्नोक्रेटिक स्किल टू गवर्न एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी यस अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन तो इससे एडिक्वेट कैपेबिलिटी नहीं होती इकोनॉमिक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे नहीं हो पाता है तो इन सब से एक और चीज़ क्या होती है हम आउटसोर्स करते हैं चीज़ों को आउटसोर्स करते हैं तो जैसे बहुत सारी कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी फर्म्स है जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है इनके अगेंस्ट आई एम नॉट सेइंग बट द थिंग इज कई बार जो क्रूशियल टास्क है वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं जैसे मैके का वर्क देखो मैके बेसिकली क्या कर रही है सब अपना स्टडी कर रही है स्टडी कर रही है रिसर्च कर रही है ये सारी कंसल्टेंसी फॉर्म्स है दे आर वॉट दे आर डूइंग इज रिसर्च कर रही है स्टडी कर रही है और बता रही है क्या करना है कैसे करना है एफिशिएंटली कैसे वर्क करना है दिस इज देयर एक्सपर्टीज सो इनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं चीजें सेकेंड क्वालिफाइड ऑफिसर्स जो नॉन आई सर्विसेज में हैं शुड गेट अ फेयर शॉर्ट एट हाई लेवल पोजिशन कई बार ये जो आई का टैग होता है ना इस टैग में बहुत सारा एंटाइटलमेंट आ जाता है कई बार तो ये हो जाता है लॉबी बन जाता है कि केवल आई ही इस पोस्ट को होल्ड करेगा

सिविल सर्वेंट्स एड डिफरेंट लेवल्स कैन बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिशन कर्म योगी में भी हम यही ट्राई कर रहे हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग वरना जैसे अभी एक आर्ग्यूमेंट आया था अब एक आईई ऑफिसर है वो इंडियन रेलवे में डेडिकेटेड पूरा सर्विस किए हैं ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर्टी ईयर बट जब बात आती है चेयरमैन बनाने की तो सम को हम वहाँ पे चेयरमैन बना रहे हैं जिनको उस फील्ड का हो सकता है इतना नॉलेज भी नहीं हो आई एम नॉट सींग वट इज राइट वॉट इज रॉन्ग बट द थिंग इज़ कि कई बार जो डिपार्टमेंट का जो मेरिटोक्रेसी है उसको भी हमें यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए द थिंग इज़ जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके पास प्रोफेशनल्स कम है इसी तरीके से अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ यूजुअली स्टाफ की हमेशा कमी रहती है तो फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ज्यादा बेहतर काम करे सी सीबीआई में भी हम देखते हैं कई बार स्टाफ्स कम होते हैं प्रोसेस ड्रिवन ज्यादा हो जाता है और रिजल्ट्स ड्रिवन कम होता है सो अननेसेसरी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं एक्सेट्रा यस क्विक 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 सो पॉलिटिकल विल इसमें रिक्वायर्ड होगा पब्लिक वर्सेज प्राइवेट सेक्टर का भी एक बात है प्राइवेट सेक्टर की भी जो एक्सपर्टीज एंड एफिशंसी है वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं स्किल स्पेक्ट्रम करो तो ये अच्छा आर्टिकल था दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल इसको एक बार आप पढ़ना कुछ बहुत अच्छे आपको पॉइंट्स मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा से ओके अब है प्रोसेस ऑफ म्यांमार एक्चुअल यूनिफिकेशन हैज बिगन दिस इज म्यांमार. Glad that India has set up inquiry this is let us see Prime Minister meets Israel president calls for durable resolution of Palestine issue तो यहाँ पर अभी इजरायली प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का मीटिंग हुआ और हमने रीट्रेड किया ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज देना है और टेररिज्म को भी जगह नहीं है एम e. ने डिस्कशन किया यहाँ पे इसके अलावा बाकी कंट्रीज से भी बात हुआ कि किस तरीके से एक पीस ड्यूरेबल पीस यहाँ पर हम इंश्योर कर पाए सेल्फ डिफेंस इज इम्पोर्टेंट बट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट वर्किंग टू सेव वेटरन्स फेसिंग दिस सी इस पे गवर्नमेंट काफी एक्टिवली वर्क कर रही है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस क्रैकडाउन और शेयरिंग इंसेंडियरी पोस्ट सी आपका इंटरनेट जो प्रेजेंस है बी वेरी वेरी केयरफुल हमें अननेसेसरी पार्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन फेक एटसेट्रा चीजों में नहीं पड़ना है इवन आप आपस में भी इंटरेक्ट करते हो द थिंग इज योर योर प्रेजेंस शुड बी सिविलाइज योर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड टू बी सिविलाइज ये नहीं कि आप हेरासमेंट कर रहे हो वलगैरिटी है वर्ड्स आपके करेक्ट नहीं है नो ये जितनी भी इंटरनेट प्रेजेंस होती है आपके हर कमेंट से आपके हर डिजिटल फुटप्रिंट से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आपको डिटेक्ट कर सकती है आप कहाँ पर हो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से सो द थिंग इज ऐसा नहीं है कि हम इंटरनेट पे कुछ भी करेंगे और हम डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे गवर्नमेंट कैन वेरी वेल डिटेक्ट यू सो द थिंग इज कि हमें इस तरीके के जो वर्ड्स हैं एनकरेजिंग डिसअफेक्शन सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजी फॉल्स नैरेटिव हेट्रेड रिलीजियस ग्राउंड पे एट्सेट्रा वी शुड अवॉइड डूइंग सच थिंग्स हमें मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेंडा इंस्टिगेटिव कॉन्टेंट डिसअफेक्शन एंटी सोशल प्रोपोगेंडा इन सब का पार्ट नहीं बनना चाहिए स्प्रेडिंग फॉल्स फेक न्यूज या फिर डिस्टर्बेंसेज क्रिएट कर रहे हैं दिस वी शुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ ओके इंटरपोल मीट इंडिया डॉलर थर्टी बिलियन फंड टू बूस्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट सो अभी फंड इन्वेस्टमेंट की बात है इलेक्शन कमीशन मिजोरम एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक रिकॉर्ड पेपर ऑन डिक्लाइन इन टॉयलेट यूजेज इन इंडिया सो दिस इज अगेन नॉट ओके सो वर्ल्ड बैंक रिकॉल्स पेपर ऑन डिक्लाइन इन टॉयलेट यूज इन इंडिया तो टॉयलेट बनाना इज नॉट ओके बनाना इज ओके बट उसको यूज भी करना है सैनिटेशन इन रूरल इंडिया पे ये बात है कई बार पानी का सप्लाई नहीं होता तो अक्सर टॉयलेट्स खराब हो जाते हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होते तो उस पर भी हमें वर्क करना है देट इज वाई ये डिफरेंट कंडीशन है ओ डी एफ ओ डी एफ प्लस और ओ डी एफ डबल प्लस ये तीन आते हैं ओडीएफ प्लस एंड ओ डी एफ डबल प्लस डिस इन्फॉर्मेशन कैन इम्पेयर डेमोक्रेटिक डिसकोर्स अगर आप ऐसी पे इंटरेक्ट भी कर रहे हो तो यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट डिस इन्फॉर्मेशन अगर हमें कोई फेक न्यूज है भड़काऊ बातें हैं हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं एटसेट्रा तो यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट इको सिस्टम सो डिसफॉर्मेशन कैन इम्पेयर डेमोक्रेटिक डिसकोर्स सीजेआई ने बताया सो जैसे ट्रोल आर्मीज हैं ट्रोल आर्मीज हैं ऑर्गेनाइज डिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया में कई बार ओवरवेलमिंग बैराज ऑफ स्पीच आ जाता है डिस्कोर्स जो ट्रुथ होता है तो दिस वी नीड टू बी केयरफुल डिस इन्फॉर्मेशन हेज द पावर ऑफ इम्पेयरिंग डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स पुशिंग अ मार्केट प्लेस ऑफ फ्री आइडिया टू द पॉइंट ऑफ कोलेप्स अंडर द इमेंस वेट ऑफ फेक स्टोरीज किसी ने कोई नई बात बताई हम उसको तुरंत क्रिटिसाइज करने लग गए बहुत सारे लोग मिलके उसको कॉर्नर करने लग गए बुली करने लग गए तो द थिंग इज आप मतलब दिस इज नॉट अ फ्री इंटरनेट देन सो अपहोल्डिंग सिविल लिबर्टीज इन द डिजिटल एज प्राइवेसी सर्विलेंस एंड फ्री स्पीच इन ट्रायोका का बैलेंस होना चाहिए प्राइवेसी सर्विलेंस एंड फ्री स्पीच इनको अपहोल्ड करना है तो ये भी जस्टिस साहब ने यहाँ पे बताया और कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरा प्रोविजन देता है हमें हमें फंडामेंटल राइट्स भी अवेलेबल है गवर्नमेंट का क्रैकडाउन है आर बी आई बी ओ आई का इन्फॉर्मेशन सी सी आई एल है इंडिया टोयटा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में काफी ज्यादा एन एम डी सी सेल्स जम ट्वेंटी फोर परसेंट गुड देन इसके अलावा कोविड के इतने केसेस हैं एमएसएमई में सेटल हुए नवंबर का पॉवर यूज अभी वापस ट्रूस खत्म हो गया है और अभी फिर से दिस गाजा में एक्टिविटीज दिस एक्शन इज ऑन देन दिस इज इज़राइल फिलिपिंस पीटीए और ये स्पोर्ट्स है दिस इज स्पोर्ट्स सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर गिव मी फाइव मोर मिनट फाइव मोर मिनट हम आंसर राइटिंग भी डिस्कस करेंगे

तो देखो लिखना सीखना है हमें बोलना सीखना है लिखना सीखना है और पढ़ना सीखना है ये बेर मिनिमम है अगर हमें लिखना बोलना पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए बड़ा बजाय बड़ी बड़ी, बड़ी बातें करने पे सबसे पहले रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग इन तीन चीजों को हमें करेक्ट करना है ट्वेंटी सेकेंड नवंबर टू ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है अब देखो ये कितना आसान सा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है आई गिव यू ओपन चैलेंज ट्राई टू राइट वन पेज एवरीबडी जिनको भी ऐसा लगता है ना एक बार ट्राई करो ओपन चैलेंज वन पेज में जो भी आता है ग्लोबल वार्मिंग उसको कम्प्लीट करो यू विल रियलाइज की वाई इट इज सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू राइट प्रैक्टिस राइटिंग जियो पोलिटिकल मैप ऑफ साउथ चाइना सीबी हमें बनाना है ओके okay? यस yes. स्पोर्ट्स का वी कवर बट कुछ स्पोर्ट्स न्यूज थी वो हमने जल्दी कर दिया स्पोर्ट्स हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स का हम दी एंड एक देख लेंगे सारा स्पोर्ट्स जो न्यूज है उसको एक साथ ही सारा देखेंगे अभी जब अपना मार्च अप्रैल का टाइम आएगा दिस इज ग्लोबल वार्मिंग अब देखो दीपेश का स्टाइल देखो दिस इज सो नाइस दिस डायग्राम इज सो गुड ये डायग्राम रियल टाइम में बनाना बहुत मुश्किल है दिस इज रियली रियली गुड ग्लोबल वार्मिंग बताया वॉट इज ग्लोबल वार्मिंग स्ट्रक्चरिंग देखिए कॉजेज क्या है वॉल्केटर मेल्टिंग फॉरेस्ट फायर देन क्लोरोस्टेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सारे पॉइंट बता दिए गुड सो सिस्टमैटिक टू द पॉइंट ये ग्लोबल वार्मिंग है ये डायग्राम है और ये इसके वंडरफुल दिपेश आप बहुत अच्छा कर रहे हो यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल दिस इज एक्सो एक्सो ने भी कितना अच्छे से लिखा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है कोट से स्टार्ट किया गुड प्लान ग्लोबल वार्मिंग अब इसके कॉजेस क्या है अब देखो सेग्रीगेट कैसे किया है नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक तो हर स्टूडेंट का अपना एक क्रिएटिविटी होता है जो बहुत जरूरी है नेचुरल क्या है दिस इज नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक क्या है ये सारे एंथ्रोपोजेनिक है एक चार्ट भी बना दिया इसके इफेक्ट्स बताए देन ग्लोबल इनिशिएटिव टू टेकल ग्लोबल वार्मिंग इससे सारे रिलेटेड स्टफ्स बताए अब देखो ये इनिशियेटिव भी कितने अच्छे हैं लुक एट द प्रेजेंटेशन दिस इज गुड फिर ये वन टू थ्री फोर देन सारे पी एम कुम योजना एंड ऑल वंडरफुल दिस इज गुड अब ये मैप है जियो मैप देखो ये भी बहुत जरूरी है साउथ चाइना सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इधर इतनी एक्टिविटीज हो रही है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साउथ चाइना सी देन इसके बाद कंट्रीज बताया सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी देन स्ट्रैटेजिक लोकेशन है साउथ चाइना सी के बारे में बताया आपने गुड अनक्लॉज है और वे फॉरवर्ड है वेरी नाइस प्रियंका प्रियंका का डायग्राम वर्क इज रियली गुड सी बहुत टू द पॉइंट हमने बनाया है दिस इज द डायग्राम ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन किया तो विजुअल्स बनाइए ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स के थ्रू हमें दिखाना है आईपीसीसी की रिपोर्ट है एग्जाम्पल्स है क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल्स है गुड नेशनल एफर्ट्स हैं और मिशन लाइफ भी है मिशन लाइफ इज वेरी प्रियंका के जो पॉइंट्स होते हैं ना उसमें बहुत रेंज होती है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इतने वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं यहाँ पे गुड देन वे फॉरवर्ड है जैसे देखो ए बी सी डी वेरी नाइस वेरी गुड क्रिएटिविटी देन बताया आपने गुड और अभी कॉप ट्वेंटी एट की बातें भी यहाँ पे हम लिख देंगे ओम ओम की राइटिंग देखो प्रेजेंटेशन इज सो नाइस अब इस कॉपी को देखते ही लगता है कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज है कॉपी का देखो कितना नीट एंड क्लीन है सिमेट्री देखो पूरी कॉपी की नो पैराग्राफ राइटिंग स्पेसिंग लर्न दिस थिंग दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग सो प्रिपेयर अ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग तो आपने इन सारे पिलर्स में बना दिया गुड एब्स्ट्रैक्ट में आपने बताया ये सारी चीजें हैं देन बीच बीच में अंडरलाइन भी करिए एसिड रेन ग्लोबल वार्मिंग क्या है कॉजेस बताए दिस इज स्ट्रक्चरिंग इज सो गुड ए बी सी देन वन देन ए बी सी डी गुड वेरी गुड स्टाइल नाइट्रोज इन टू ओ मीनिंग क्या है और देन आपने इसके मीनिंग एंड इफेक्ट्स बताए कभी भी डॉट नहीं लगाना है वन टू थ्री लगाइए डॉट नहीं बुलेट पॉइंट्स लिखिए ए बी सी डी या वन टू थ्री फोर डॉट नहीं लगाना है एरो भी बना देते हैं वो भी नहीं बनाना है वन टू थ्री फोर ऐसे नंबर लिखिए वन टू थ्री फोर और ऐसे सर्कल करने के बजाय अंडरलाइन करिए है ना सर्कल से ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत है टीचर सर्कल करता है आप अंडरलाइन करो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दो जैसे यहाँ पे किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये अंडरलाइन किया ओपन एरिया कई बार कोर्ट्स के अंदर भी लिख सकते हो आप कोर्ट्स में गुड वर्षा वर्षा ने देखो कितना बढ़िया डायग्राम बनाया है गुड कोट से स्टार्ट किया है कलर भी किया है गुड क्लीन इंडिकेटर्स राइटिंग बहुत अच्छी हो गई आपकी आई एम वेरी हैप्पी दिस इज गुड देन दिस इज नाइस कॉन्क्लूजन वेरी नाइस राम नरेश दिस इज एक्सिलेंट ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसके कॉजेस क्या हैं इफेक्ट क्या है गुड देन सोशल इकोनॉमिक है देन चेंजेस है वेरी नाइस देन यहाँ पे कॉन्क्लूजन भी लिख है वेरी वेरी गुड काजल काजल का वर्क भी बहुत ब्यूटीफुल है लुक एट दिस डायग्राम वेरी नाइस

बिहेवियरल चेंज है वंडरफुल ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है सृष्टि सृष्टि की भी कॉपी बहुत अच्छी होती है और बहुत बहुत हार्ड वर्किंग दिस इज रियली नाइस व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे बताया स्ट्रक्चरिंग देखिए कंटेंट देखिए दिस इज रियली नाइस 2023 डेटा फिर इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का टेबुलेट कर दिया दोनों में डिफरेंस क्या है ग्लोबल वार्मिंग गुड वेरी नाइस देन इसके अलावा आपने ये पूरा चार्ट बनाया पाई चार्ट अब दिस स्टाइल इज गुड कॉजेज अब देखो हम पैराग्राफ लिखते हैं और हमने चार्ट के थ्रू बना दिया तो स्पेस बचा टाइम बचा गुड नेचुरल कॉजेज मेड है देन एग्रीकल्चर है राइजिंग टेम्परेचर एसिडिफिकेशन सो एग्जॉस्टिव बहुत अच्छा रेंज कवर है ग्लोबल वेरी नाइस एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है दिस इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गुड एंड देन वे फॉरवर्ड वंडरफुल रियली नाइस आंसर अफसाना दिस इज गुड ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है टू द पॉइंट ग्रीन हाउस इफेक्ट दिस डायग्राम इज गुड उथ चाइना सी गुड वेरी नाइस शशि शशि का डायग्राम वर्क दिस इज नेक्स्ट लेवल दिस इज सो गुड ये साउथ चाइना सी बनाया अब देखो आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो डायग्राम बनाने में आपको ये पूरा याद हो गया होगा शशि आपको देखना यह पूरा याद हो गया होगा कि यहाँ पे कहा कौन सा स्कैरबोर शोल है कहाँ कौन सा सी है किधर कौन से कंट्रीज है बिकॉज यू आर एक्चुअली डूइंग द थिंग जब हम कोई वर्क करते हैं ना पढ़ाई नहीं ये वही बात होती है कि YouTube में बहुत सारे वीडियोस देख लो कार कैसे चलाना है कार कैसे चलाना है बहुत सारे मैनुअल्स देख लो बहुत सारे लोगों को देख लो वो कार चलाते हुए फॉर्मूला वन रेसर की कार चलाते हुए दिस एंड दैट दैट इज ओके बट जब तक खुद नहीं चलाओगे यू विल नॉट लर्न हाउ टू राइड हाउ टू राइड अ कार नो हाउ टू ड्राइव अ कार दिस इज वॉट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं वो बस खुश होते रहते हैं टीचर ने इतना पढ़ा दिया हमने घूमते फिरते वीडियो देख लिया कितने अच्छे अच्छे, अच्छे आंसर आ गए गुड वेरी गुड बट आपने तो नहीं किया ना आप लिखो उसे पेन एंड पेपर से और यही आपको रियल एग्जाम में करना है तो आई एंड टेलिंग यू हमेशा एक्टिविटी करो खुद उसको करके देखो तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी ओके okay? सो so जैसे आपने ये बनाया दिस इज सो गुड यहाँ पे गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर है येल्लो सी भी बता दिया वेरी हैप्पी दिस इज वेरी नाइस नेहा दिस इज गुड इंटर गवर्नमेंटल पैनल आईपीसीसी से स्टार्ट किया 1.5 डिग्री ये पूरा गेटिंग दिस मेजर कॉज क्या है एंथ्रो एंड नेचुरल गुड देन दिस डायग्राम वेरी क्रिएटिव गुड स्टेप्स टू रिड्यूस स्ट्रक्चरिंग इज रियली नाइस ग्लोबल वार्मिंग एंड देन कॉन्क्लूशन वेरी नाइस सो ये अभी दो कॉमेंट और आ गए इनको भी देखते हैं नंदनी नंदनी ने अच्छे से बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या है स्टार्ट टू द पॉइंट अब देखो टाइम बाउंड मैनर में भी आना चाहिए हो सकता है दस मिनट बचे और आपको जल्दी जल्दी पेपर कंप्लीट करना है गुड एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग है वे फॉरवर्ड है गुड वेरी नाइस वेनु ने भी डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है गुड ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है देन इसके बाद सारी कंडीशन लिखी है गुड कॉन्टेंट एज यूजल इज रियली गुड प्रोडक्शन देन नोबेल प्राइस का भी आपने यहाँ पे बताया गुड वेरी नाइस गुड वेरी गुड सो एवरीबडी पार्टिसिपेट एक और कॉमेंट आ गया हैुड शशि ने एक और डायग्राम बनाया दिस इज सो नाइस ग्लोबल वार्मिंग लुक इट द्रिएटिविटी दिस इज गुड ग्लोबल वार्मिंग क्या है देन कॉजेस क्या होते हैं मैन मेड दिस डायग्राम सो ब्यूटिफुल ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्ट देन ग्रीन हाउस गैसेज है वेरी नाइस शशि वेरी नाइस आई एम वेरी हैप्पी इसी तरीके से सब ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन ओरियंटेड करो इससे ना स्ट्रेस लेवल भी कम होगा हमेशा दूसरों को देखते हुए ऑनलाइन कंजम्पशन करते करते स्ट्रेस लेवल बढ़ता है अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो स्ट्रेस लेवल कम होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ओके सो बी मोर प्रो एक्टिव ऑल राइट सो दिस इज टूडे इज ब्रीफ सी सेट का अभी एक टेस्ट होगा मैं थोड़ी देर से लूंगा वो टेस्ट आप आफ्टरनून में पॉसिबल हो पाएगा एक मुझे लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट लेना है अभी लॉजिकल रीजनिंग का Will it be possible, say 15 minutes बाद या फिर हम 2 पी पे भी कर सकते हैं अगर 2 टू 4 अगर आपको टेस्ट लिखता है तो मुझे एक टेस्ट लेना है अभी दो घंटे का सिलोजिज्म का एक टेस्ट होगा जो हमने जनरल मेंटल एबिलिटी की एक्सरसाइज की थी उसका एक टेस्ट होगा तो वो तुरंत अभी लेना है या फिर एक ब्रेक के बाद लेना है क्विक 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 उसके अकॉर्डिंग में आपको शेयर करूंगा अभी लिंक टू, टू टू फोर चलेगा दो से चार चलेगा गूगल मीट में जैसे हम रेगुलर पहले क्लासेस करते थे ऐसे दो से चार का एक दो घंटे का सब टेस्ट लिखो मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ चलो इट दिस टेस्ट इज ओपन टू एवरी वन ऑल ऑफ यू इट इज ओपन टू एवरी आना एक ब्रेक ले लो और सिलोजिज्म की एक्सरसाइज का जनरल मेंटल एबिलिटी का लॉजिकल रीजनिंग का इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट है वो मैं पूरा टेस्ट आपको दो घंटे में कराता हूँ उस टेस्ट को कर लो और आपको कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का रहेगा कॉन्फिडेंस और आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन सी सेट का कवर हो जाएगा तो सी सेट में दो चीजें कभी मिस नहीं करना है एक तो आरसी और दूसरा जनरल मेंटल एबिलिटी ये दो एरिया आपके है और ये सब स्ट्रांग कर सकते हैं चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो या तो क्लियर हो ही जाएगा। क्लियर, मतलब तो आए जस्ट इन दो चीजों को स्ट्रांग कर लो बाकी मैथ्स तो हमें रखनी है, है तो एक टेस्ट लेते हैं टेस्ट का टाइमिंग जल्दी से बताइए दो से चार करना है या फिर एक से तीन करना है क्विक 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 मैं उसी के अकॉर्डिंगली अभी लिंक शेयर करूंगा आपसे टू टू फोर चलेगा मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग टू टू फोर या टू टू थ्री वन आवर में हो जाएगा ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है टू टू थ्री में हो जाएगा वो वन आवर में हो जाएगा टू टू लेटेस्ट डू इट एट टू टू से स्टार्ट करते हैं फिर जितना टाइम लग जाए उतना टाइम लग जाए ओके टू टू थ्री मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा टू टू थ्री थ्री थर्टी तक नाइन्टी मिनट्स का टेस्ट होगा ओके सो सी यू एट टेस्ट टू पी एम और ये ओपन टू एवरीबडी है आप सब आओ और टेस्ट लिखो वहां पे लाइब्रेरी वन टाइप होगा वहां पे गूगल मीट में आई विल आल्सो बी देयर एवरीबॉडी कम और पूरा क्लासरूम को रेप्लीकेट करते हुए हम एक टेस्ट लिखते हैं एवरीबॉडी ऑल राइट आज सैटरडे भी है ओके सो ऑफ है आज सबका right? चलो तो सी यू इन द टेस्ट अभी सी सेट का राइट नाउ क्लास नहीं है सी सेट की क्लास दो बजे होगी मैं कुछ एक ब्रीफ भी दे दूंगा आपको सिलोजिज्म इससे रिलेटेड एवरी वन ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड चलो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ हैवे एवरी वन है नाइस डे और सृजन इंडिया वन के बारे में सबको बताइए सिविल सर्विसेज वन भी स्टार्ट हो रहा है नो सो टेल एवरी वन ऑल राइट है